If you like this video, please subscribe the channel, like and share this video. नमस्कार दर्शकों, मैं किरण वशिष्ठ तुहाड़ा स्वागत करता खबर बाद दोपहर दे विच। जेकर तुसी साडे चैनल हुण तक सबसक्राइब नहीं किया तां सबसक्राइब करो, खुद भी सबसक्राइब करो ते दोस्तों तो भी सबसक्राइब कराओ ताकि साडे चैनल दे हरेक खबर हरेक प्रोग्राम तुहाडे तक पहुंच सके। दर्शकों, खबर आ रही है फिरोजपुर तों, जिथे देर रात एक चोर किसे घर दे विच घुसिया ते उस घर दे विच घुस के इस घर दे मालक नूं, जिसका नाम किरपाल सिंह दस्सिया जांदा ते इह किरपाल सिंह जी रिटायर्ड फौजी सन, उन्होंने वेख लिया तो जो इस चोर को रोकने की कोशिश की तो इस चोर ने तेज़ धार हथियार के नाल इन्हां दे उपर हमला कर दिता तो किरपाल सिंह जी की मौत हो गई। नाल ही चोर जाते जाते किरपाल सिंह जी की पत्नी नूं भी जख्मी कर गया, जिन्होंने इलाज वास्ते सिविल होस्पिटल भेज दिया गया है। जी कोई चोर आया कंध टप के। अच्छा जी। तो वो उपरों की जो आया तो मासड़ी साढ़े उठ खड़े तो उन्होंने फड़ लिया। अच्छा। फट के तो उन्हें जो छुट्ट की कोशिश की तो उन्हें चाकू मारे। अच्छा। हाँ जी, चाकू मारे उदों साडी मासी जी का रौला पै उठ के आ गया, उन्होंने फड़ लिया, उन्होंने फड़ लिया तो मासी जी ने भी साडी चाकू मारे छुट के पै। की नाम से इन्हों का, किन्ने साल उम्र है? अमर सिंह जी, 65-70 साल के उम्र आई। इन्होंने सबका फौजी से? हाँ जी, सूबेदार कैद से। चोर वड़िया अंदर शेड़ी कोई समान लैन आया सी, मेरे हसबैंड फाड़न लग गए, मुझे चाकू मारे। ते तानू ही जख्मी करता? हाँ जी, मैं उपरों आए नप लिया, इन्हों नपया जो उन्होंने फड़िया हुआ सी, मैं नप लिया। उस ये चोर से जो कंध टप के आया सी? हाँ, चोर ही होगा जो कंध टप के आया, अगे टूटियां ला के ले गया सी। पहला कितने तुहाडा घर कितने सी? संत लाल रोड। अमर सिंह पुत्र किरपाल सिंह वासी संतला रोड से रहिंदा सीगा, किराए से सबका फौजी सीगा। इहदे घरे कोई नामलू बंदा आ के तेज धार हथियारां नाल कतल कर गया। इहदी जनानी जिहड़ी चरणजीत कौर है उहदे वी मुंडी सट्टां वज्जियां ने, उस तों दाखल उहदे बयान ते असीं कार्रवाई 302 दे तहत कर दित्ती है। हुण तलाश जारी है जी? हाँ, मामलू बंदे तलाश जारी है। कोई सर इहनां दा कोई मामला हैगा सी, कोई रंजिश वगैरह सी, कोई इह मामला? इस बारे तफ्तीश जारी है। सो रिटायर्ड फौजी किरपाल सिंह जी हुण नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने घर के जो देर रात चोर अंदर वड़िया तो किरपाल सिंह जी की निगाह चढ़ गए। किरपाल सिंह जी ने उन्होंने रोकने की कोशिश की तो उस चोर ने तेज़ धार हथियार के हमला किया तो किरपाल सिंह जी की मौत हो गई। तो नाल ही यह चोर किरपाल सिंह जी की घरवाली भी जख्मी कर गया। जो जाँच करने वाले पुलिस अधिकारी आए थे उन्होंने भी यही कहना सीगा कि हुण असीं हरेक पहलू तो जाँच कर रहे हैं, जल्द ही आरोपी को पकड़ लवेंगे। तो फिलहाल खबर यही है कि किरपाल सिंह जो कि रिटायर फौजी से चोर ने रोकते हुए घायल होए तो उन्हों की मौत हो गई। तो दर्शकों, अगर तुहाडे कोल भी कोई इहो जी खबर है जो तुसीं साडे चैनल ते विखाणा चाहुंदे हो तो सानूं संपर्क कर सकते हो 6288-3730 के उपर, तो तुसीं सानूं ईमेल भी कर सकते हो खबर बाद दुपहर @gmail.com के उत्ते। इस तरह वेखते रहो A1 पंजाबी, A1 न्यूज़, हर सच तुहाडे तक। A1 पंजाबी दा सारे दर्शकों देश विदेश दीआं संगतां नूं तोहफा। A1 पंजाबी उत्ते कोई भी धार्मिक समागम या पेंडू खेडां लाइव करवा सकते हो सिर्फ 15,000 रुपए विच। जी हाँ, सिर्फ 15,000 रुपए विच तुहानू मल्टी सैटअप दे नाल मिक्सर दे नाल मिलेगा वर्ल्ड वाइड लाइव ऑन A1 पंजाबी TV। ता फिर इंतजार किस चीज़ दा है? जेकर तुसी भी करवाना चाहते हो कोई भी धार्मिक समागम या रवायती खेडां दा सीधा प्रसारण A1 पंजाबी ते, तां संपर्क कर सकते हो इन्हां नंबरां ते।